नमस्कार, मी नामदेव कांबळे, जे एम ए न्यूज बुलेटिन मध्ये आपले स्वागत आहे। आपण पाहत आहात जे एम ए न्यूज बातमीपत्रात। सर्वप्रथम आपण पाहणार आहोत हेडलाइन्स। भारत जोड़ो यात्रेत सुपरस्टार कमल हसन यांचा सहभाग। मुंबई ठंडी वाढली, पारा 15 अंशावर, यंदाचे हिवाळ्यातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद। औरंगाबाद मध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला, आरोग्य विभाग अलर्ट। आरोप करणाऱ्या महिलाचा दाऊद गँगशी संबंध, महिलेला ठाकरे सह गटासह राष्ट्रवादीची फूस, राहुल शेवाळे। चीन मधल्या कोरोना रुग्णाबाबत धक्कादायक माहिती समोर, 20 दिवसात 25 कोटी रुग्ण। नमस्कार, मैं राजंश मौर्या और आप देख रहे हैं जेएमए न्यूज। आज पूरे भारत के अंदर जो एक मतलब विवादित बयान जो इस अजय सेंगर के द्वारा मतलब फैलाई गई है, जिसमें एक आग सा लगा हुआ है पूरे भारत के अंदर, और ख़ासकर उन दलित समाजों के विषय में जिसके ऊपर ये जिनकी भावनाओं के ऊपर एक ठेस पहुंचाने का काम इस अजय सेंगर ने किया है। भीमा कोरेगांव, जिसकी इतिहास अगर नहीं जानते हैं तो वो जानने का प्रयास करें। ये उन दलितों का सम्मान और स्वाभिमान की बात है जिसके ऊपर इन्होंने आज एक लांछन लगाने का काम किया है। जिस विजय स्तंभ को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में ही अभी मैं इस वक्त मुंबई शहर के अंदर हूँ, और मुंबई के कुछ जो लोग हैं मैं उनसे ही कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर जो मतलब जो लोग हैं उनके दिल में क्या मतलब एक इस भावनाओं को लेकर एक क्या भड़क है, जो मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? करण शिंदे। करण शिंदे जी, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि मतलब जो ये अजय सेंगर जी है जिन्होंने मतलब एक विवादित बयान देकर पूरे भारत के अंदर एक भड़काऊ भाषण देकर भड़काऊ बात कहकर जिसमें एक आग सा लगा दिया है पूरे भारत में, और कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचाने का काम जो दलित लोग हैं उनके ऊपर जो एक आग लगाने का काम इन्होंने किया, क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में? पहली बात तो कैसा है कि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि बीजेपी चाहती क्या है इस देश में। आप कभी आप मुस्लिमों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, कभी आप दलितों के खिलाफ हो, पिछले बार भी इन्होंने ये भिड़े गुरुजी नाम के किसी गुड्डे को ऐसे इन्होंने कोई विवादित बयान दिलवाया था। आज अजय सेंगर करके कोई है, करनी सेना, ठीक है, करनी सेना आपको आना है ना, आप आइए, इस करनी सेना को हम महाराष्ट्र की भरनी में दफन करेंगे। अजय सेंगर एक नंबर का भंगार आइटम है, ये खाली एक बोलने वाले पोपट लोग हैं, ये बीजेपी के पाले हुए कुत्ते हैं और कुछ नहीं। ये उतना ही करेंगे, ये उतनी ही बिस्किट खाएंगे जितने इनके बॉस इनको बिस्किट डालेंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ करेगा नहीं। ये भड़काऊ भाषण है, विवादित भाषण करके दलितों के बीच में और खास करके महाराष्ट्र जो कि पूरे भारत देश में टारगेट पर है, ये महाराष्ट्र का माहौल ख़राब करने के लोग चक्कर में है और कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब अगर एक चीज़ अगर देखा जाए, ये क्या करना चाहते हैं इस तरीके के विवादित बयान से? कहीं ना कहीं दलितों के भावनाओं के साथ खेलना, एक छेड़छाड़ करना पूरे भारत के अंदर इस तरीके का मतलब एक माहौल बनाकर, ये क्या इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? आपने देखा होगा कि ये अजय सेंगर नाम का भंगार इंसान ये फडणवीस जी को अर्ज देने गया था। सबसे पहले तो सवाल है फडणवीस साहब से कि फडणवीस जी, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं था वो अर्ज स्वीकारने का, आपने सबसे बड़ा पाप किया है वो अर्ज स्वीकार के। क्रांति से करनी सेना की ये अर्जी जो है ये इन्होंने स्वीकार की अपने हाथों से। फडणवीस जी, आप भूल रहे हो कि बीजेपी वालों, आप भूल रहे हो कि आप दलितों का वोट लेते हो, आप दलितों का वोट लेते हो तो आपके मन में दलितों के लिए कोई भावना नहीं है। वो अर्ज स्वीकार करने से पहले फडणवीस जी को ये बात सोचनी चाहिए थी। खरं म्हणजे असं म्हणायला लागेल आता की फडणवीस जी, तुम्ही स्वतःच्या हाताने स्वतःचा गु खायचं काम केलंय। हा जो त्यांचा अर्ज स्वीकार केलाय फडणवीस जी, तुम्ही स्वतःच्या हाताने स्वतःचं गु खाल्लंय, बाकी काही नाही केलं। के मतलब युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब आज कहीं ना कहीं इस तरीके का एक माहौल, ख़राब माहौल ना बने पूरे भारत में जो इस विवाद बयान को लेकर चल रहा है? आप भी खुद एक युवा हैं, आप अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब युवाओं देखो, हमारे महाराष्ट्र का जो युवा है, आज महाराष्ट्र के युवाओं के मन में जात पात धर्म भेद हर चीज़ का जो विष है
वो हर एक के मन में डाला जा रहा है, हर एक के जहन में डाला जा रहा है, और ये लोगों का दिमाग भ्रष्ट करने का काम ये आरएसएसवादी, ये मनुवादी लोग कर रहे हैं। और ये मनुवादी आरएसएसवादी लोग ये फडणवीस जैसे, अजय सेंगार जैसे लोगों को पाल के करते हैं। इनके पास कोई ना कोई एक पला हुआ कुत्ता तैयार रहता है। ये भड़वे अजय सेंगार, ये कुत्ते अजय सेंगार, इनके पास ऐसे बहुत सारे कुत्ते हैं, ऐसे बहुत सारे भड़वे पले हुए लोग हैं। ये फडणवीस जी ऐसे लोगों को बहुत पालते हैं। गाली मत दीजिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कहीं ना कहीं बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है, इसलिए गाली मत दीजिए। देखो साहब, जिसको बुरा लगेगा उसको और उसको पूरा गाली देंगे, क्योंकि गाली खाने वाला काम करोगे तो गाली मिलेगी। बुरा आप अगर आपकी नाराजगी से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पहले तो हमको नाराज़ कर रहे हो, हमारी भावनाओं को दुखा रहे हो, दलितों की भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हो। फडणवीस जी, आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, मैं फिर से दोहराता हूँ, फडणवीस जी तुम्ही स्वतः तुमच्या हातांनी गू खायचं काम केलंय, करणी सेनाचं ते अर्ज स्वीकारून तुम्ही हे अर्ज नसतं स्वीकारलं तर खूप चांगलं झालं असतं। ह्याच्या पुढे दलितांचं एकही मत बीजेपीला जाणार नाही। अगला कदम क्या होगा, मतलब अगर इनके ऊपर जिस तरीके से, मतलब अभी इनके ऊपर कोई मतलब पुलिस कार्रवाई तो हो, एक्शन तो ले चुकी है, पर ये अटैक नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं फरार घोषित हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कैसा है कि ये तो इनका पाला हुआ कुत्ता है ना, तो वो जल्दी अटक नहीं होगा। ये अगर कोई कांग्रेस वाला करता, कोई शिवसेना वाला करता, तो फटाक से जल्दी से अटैक हो जाता, इसको जल्दी ये लोग कैद कर लेते, इनके ऊपर FIR दाखिल करते थे। लेकिन अब तो ये इनका पाला हुआ कुत्ता है, तो इनको तो इसको चलाना है। और दूसरी बात, सब बातें गई भाड़ में। मैं JMA न्यूज़, आपका जो चैनल है JMA न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक ये बात पहुंचाता हूँ कि करणी सेना का ये जो भी अजय सेंगार भंगार आदमी, अजय सेंगार जहाँ कहीं भी मिले, इसका मुंह काला करने वाले को मैं 51,000 रुपये बख्शिश यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से जाहिर करता हूँ। अजय सेंगार का मुंह काला करने वाले जो भी इंसान रहेंगे, उन लोगों को 51,000 रुपये बख्शिश मेरी तरफ से मैं जाहिर करता हूँ JMA न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आपका अगला कदम क्या होगा, मतलब आगे के लिए क्या मतलब विचार आपका है? अगर इस तरीके के ऊपर जो मतलब विवादित बयान है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक कानून लाने का प्रस्ताव रखना चाहिए कि इस तरीके के भड़काऊ या विवादित बयान कोई ना दे, इसके ऊपर कोई कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सब कानून लाने वाला एक ही मर्द इस देश में पैदा हुआ था, और उस मर्द का नाम है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। दूसरे किसी भी इंसान की औकात नहीं है कि इस देश में और कोई कानून लाए या कुछ भी। आप कितने भी रेगुलेशंस लाइए, आप कोई परिपत्रक जाहिर कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो इनके पाले हुए लोग हैं। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से होम डिपार्टमेंट को गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब अजय सेंगार के ऊपर और अजय सेंगार का अर्ज स्वीकार करने वाले फडणवीस जी के ऊपर, ये तो खुद ही उप मुख्यमंत्री है, खुद गृह खाता भी इन्हीं के पास है, तो अब ये नैतिक जवाबदारी स्वीकार करें और इन दोनों के ऊपर एट्रोसिटी गुना दाखिल करें। एट्रोसिटी कायदे के अंतर्गत इन दोनों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इन्होंने दलित लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम किया है, देश में विवादित बयान देकर देश में दंगा भड़काने का काम किया है। जैसे दो तीन साल पहले एक बहुत बड़ा दंगा वहाँ पर खड़ा हुआ था, भीमा कोरेगांव की शौर्य भूमि पर एक बहुत बड़ा दंगा खड़ा हुआ था। ये बस इसी तरह वापिस एक बार ऐसा ही दंगा दोहराने की ये साजिश है बीजेपी की, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार फडणवीस है। आपका क्या कहना है आपका, कि आज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर एक हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते अजय सेंगार जिन्होंने एक विजय स्तंभ जो दलित के भावनाओं के साथ आज कहीं ना कहीं खिलवाड़ छेड़छाड़ किया, क्या कहना चाहती हैं आप? अभी क्या भी क्या चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ भाई, अभी तो ये BJP सरकार जब से आया तो वो जाति भात करता है, कभी मुसलमान, कभी दलित, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, उसका काम ही यही है। भल पूछो तो उसको देश चलाना आता ही नहीं है, देश चलाना नहीं आता तो उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए। और रहेगी बात कि उसके जितने हैं मंत्रिमंडल में, किसी को बात बोलने की तमीज है ही नहीं। ये 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि इतने बड़े पद पे ये बैठा है तो इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। आज बाबा साहेब अम्बेडकर को कौन नहीं सम्मान करता है, सिवाय RSS को छोड़ के मुसलमान नहीं सम्मान करते हैं? कौन सा धर्म नहीं करता? सिख नहीं करते? ईसाई नहीं करते? अजय सेंगर के ऊपर क्या कहना है आप? अजय सेंगर जो विवाद, उसके दिमाग में गोबर भरा है,
कि जो दलित समाज को इतना बड़ा वो उसने ठेस पहुंचाया, तो वो तो मंत्री लायक ही नहीं है, नेता लायक ही नहीं है वो। ये तो हमारे और आपके समझ में आएगा कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए। भीमा कोरेगांव के उच्च विजय स्तंभ के विषय में इस अजय सेंगार ने जो एक विवादित बयान कही है, वो कहीं ना कहीं अब बहुत ही बड़ा गलत और एक ठेसदायक बात, जो दलितों के भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। 28,000 पेशवाई और उसके बाद जो है 500 महारों का अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर उन्हें हराना, और कहीं ना कहीं वही जीत को आज देखकर उस विजय स्तंभ को उस भीमा कोरे गांव में दर्शाया गया है। हर उसमें जो घायल और जख्मी और जो मृत थे उनका सभी का नाम उसमें दर्शाया गया है, जिसे अभिवादन करने के लिए खुद स्वयं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी जाते थे, और उसी के साथ साथ बड़े बड़े राजनेता भी उसी विजय स्तंभ को जाकर अभिवादन करते थे। और आज कहीं ना कहीं उसी विजय स्तंभ को गिराने की बात कहने वाले अजय सेंगर के ऊपर कहीं ना कहीं मुंबई कर भी भड़के हुए हैं, और मुंबई कर के लोग, जो दलित समाज के लोग, कहीं ना कहीं सड़क पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी और कई जगह पर मैं आपको ले जाकर मिलाऊंगा। अभी यहीं पर इस वक्त मेरे समझ जो है योगीराज भोसले जी हैं, जो चांदीवले तालुका के अध्यक्ष हैं RPI से। मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या कहना चाहते हैं आज कहीं ना कहीं एक विवाद जो अजय सेंगर एक इन्होंने पूरे भारत में एक जो आग लगाने का काम जो खासकर दलित समाज के ऊपर दलितों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो ऐसा है कि वो अजय सिंगर आज महाराष्ट्र के क्या तो भारत देश के दलितों के अस्मिता के साथ जुड़ी हुई ये बात है। सन 1 जनवरी 1818 में जो घटना घटित हुई थी, वहाँ पर अंग्रेजों के साथ में जो लड़ाई लड़ी गई थी कि महाशूर योद्धा, इन्होंने अपने आत्मसम्मान और जातिता निर्मूलन के हिसाब से लड़ाई लड़ी गई थी। अब वो अजय सिंगर कौन है भड़वा पता नहीं है, मुझे लगता है कि वो 17 की पैदाइश है, एक की तो होगी ही नहीं मुझे लगता है, क्योंकि उसके विवाह से ऐसा लगता है कि वो इस देश में सांप्रदायिकता, इस देश में कुछ सामाजिक तेढ़ निर्माण करना चाहता है, इस देश में दंगा भड़काने का उसका खास तौर उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के बारे में उसको भीख नहीं डालते। उसने कहा कि हम भीमा कोरेगांव में आके उस जो विजय स्तंभ है शूरवीरों का, उस विजय स्तंभ को बुलडोजर से उड़ाना चाहते हैं। मैं उस हरामखोर को बताना चाहता हूँ, वो लगता है उसका गधे की औलाद है, वो तो इंसान की औलाद होता तो ऐसा सांप्रदायिकता भड़काने का इशू सोचता ही नहीं, उसके बारे में सोचता नहीं। मैं उसको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरे तू बुलडोजर की क्या बात करता है भड़वे, तू एक बात कर, कम से कम तू वहाँ आने की कोशिश तो कर, कम से कम आके तो बता। मुझे लगता है कि तेरी चटनी नहीं बना दी ना वहाँ के लोगों ने, तो तेरे समझ में आ जाएगी तेरी करनी सेना क्या है क्या है। तू करनी सेना अपने जगह पे चला, करनी सेना यहाँ महाराष्ट्र में तेरा कुछ नहीं चलने वाला है। तू 17 की पैदाइश है, हम तो यही कहेंगे कि तू 17 की पैदाइश है, इसके लिए समाज में तेढ़ निर्माण करना तेरा उद्देश्य है, और इसी माध्यम से यहाँ महाराष्ट्र की जनता और दलित भावनाओं के साथ खेलना बोला तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, और उसने बहुत गंदा कृत्य किया है। इसके बाद क्या लगता है, ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कोई राजनीति इसके ऊपर चल रही है, या फिर कोई दंगा फसाद फैलाने काम किया जा रहा है भावनाओं के साथ खिलवाड़, क्योंकि हर जगह आज कहीं ना कहीं जो है इस भारत देश के अंदर जो राजनीति की पहली प्रक्रिया है वो जातिवाद पर होता है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय पर आप? देखो, यहाँ पर मतलब तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। आज जगह जगह पर देखो इस देश किस हालत में चल रहा है। पिछले टाइम वही भीमा कोरेगांव पे, वहीं पर मिलिंद एकबोटे उसका जोड़ीदार और अपना संभाजी भिड़े का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने वहाँ दंगा करने की कोशिश की, दंगा किया भी था, और आज ये जो कर रहा है इसके भी कोई अच्छे दिल में कोई अच्छे सुविचार नहीं होंगे, इसके भी दिल में गू खाने वाली बात है। बोलता ना कीड़ा गटर में कीड़ा रेंगते हुए कीड़ा, उसको कोई अच्छे जगह पे नहला के भी अच्छी जगह पे रखेगा तो संडास में ही घुसेगा, मतलब वो सौछी खाएगा और वो गंदा ही खाने वाला कीड़ा है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में जो अजय सिंगर है, उसके दिमाग में कोई अच्छी बात तो नहीं होगी कि अच्छी बात के अच्छे भावना के हिसाब से वो ऐसे स्टेटमेंट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो खुरापत होगी, कुछ ना कुछ इस दलित लोगों के भावनाओं के साथ खेलने की उसकी नीयत होगी, और वो चाहता ही होगा कि इस विभाग में, मतलब इस महाराष्ट्र में, भारत देश में दंगा भड़के, ये उसकी बात होगी। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, अगला कदम क्या होगा आपका अगर वो नहीं गिरफ्तार हो रहे तो? देखिए, भारत देश में, इस महाराष्ट्र में बहुजन समाज यानी दलित समाज या बहुजन समाज, ये कितने भी गोटों में अगर कहीं पर भी बिखरा होगा तो ऐसा है ना कि जो
दलितों के मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनके ऊपर कोई उनकी स्वाभिमानों की जहाँ बात आती है उनके स्वाभिमानों के ठेस पहुँचाने वाली अगर कोई बात करता है तो उसके लिए कहीं पर भी कितने भी गुटे में बिखरे हुए लोग हैं ना तो एक आ जाते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब भीमा कोरेगांव का इशू ऐसा है कि लोगों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उस समय उन्होंने युद्ध किया था तो युद्ध के कोई मतलब अंग्रेजों का साथ बोल के नहीं किया था। इन्होंने सिद्धनाथ महार जो थे उस टाइम के वो पेशवा के पास गए भी थे ना कि हमें अगर आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आत्मसम्मान देते हो तो हम आपके बाजू से लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ बोले कि नहीं पैर की जूती हम लोग पैर में रखना चाहते हैं उसको सर पे नहीं रखा जाता है। तो जो गले में उस समय की प्रथा शुरू हुई थी गले में मटका थूकने के लिए और पीछे झाड़ू लटकाया गया था उसके विरोध में अंग्रेजों के साथ, क्योंकि अंग्रेजों के साथ में अंग्रेजों ने तो मान सम्मान ही दिया था उसके लिए अपने मान सम्मान के लिए उस समय लड़ाई लड़ी गई थी। इसका आज गलत मतलब ये 17 की औलाद अजय सिंगर कर रहा है और उसको हम भीख नहीं डालते कोई भी मतलब यहाँ से। अगला कदम क्या है सर आपका? अगला कदम ऐसा है ना कि अगर ये हरमखोर को हमारे इस प्रशासन को यहाँ के सरकार को हमारी एक डिमांड्स रहेगी सबके माध्यम से कि ये दंगा भड़काने वाला और सांप्रदायिकता ताकतों को बढ़ावा देने वाला ये अजय सिंगर है हरमखोर, इसको इसने जो अर्जी दिया है कि वहाँ पर आके विजय स्तंभ को हम तोड़ देंगे बुलडोजर ये करेंगे तो हमारा ये सामाजिक विद्रोह निर्माण करने वाला समाज में तेढ़ निर्माण करने वाला ऐसे कैंसर को तुरंत ही तुरंत अरेस्ट करके उसको महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एक्ट MPD या तो फिर रासुका के नीचे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा राष्ट्रीय रासुका के नीचे उसको तुरंत ही तुरंत गिरफ्तार करने की हमारी समाज की तरफ से मांग होगी। ऐसे में इस वक्त जो कुछ युवा और कुछ जो मतलब मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं इस वक्त मेरे सभ्य यहाँ उपस्थित हैं जो ये विवादित जो बवाल जो मचा हुआ है पूरे भारत के अंदर, सर क्या कहना चाहेंगे आज आप जो करणी सेना के जो अजय सेंगर जी ने जो एक बहुत ही बड़ा मतलब विवादित बयान दिया है जिसके चलते कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ एक खिलवाड़ जो मतलब एक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम अजय सेंगर ने किया, क्या कहना चाहेंगे आज? अजय सेंगर तो एक मोहरा है, इसको BJP ने मैदान में उतारा है। इसी अजय सिंगर ने पहले कहा था कि जो हमारे भीमा कोरेगांव पे जब एक बार हल्ला हुआ था उसमें जो ये जो साधु था जिसका नाम भिड़े है उसी भिड़े को इसने कहा था कि पंतप्रधान बनाओ, यानी ये मनुवादियों की एक टोली है। ये भड़वा अजय सिंगर जहाँ पे भी मुझे मिलेगा भले 1 साल जाओ 2 साल जाओ 10 साल जाओ उसको मैं वहीं पे मारूंगा। आज इसने हमारे समाज के खिलाफ एक उंगली किया है जिसको खुद का इतिहास नहीं मालूम, ये जिसको खुद का इतिहास नहीं मालूम वो दूसरे का इतिहास खोदने चला है। उसको बोलो हमारा इतिहास पढ़े और नहीं पढ़ने जमता है, अगर तुझे हमारे समाज के खिलाफ बोलना है तो तू जहाँ मिलेगा हम तुझे मारने ही वाले क्योंकि तू बोल के ही गलती कर चुका है। कहीं ना कहीं जो एक फडणवीस जी ने भी जो उनका एक पत्र को जो स्वीकार किया ये भी कहीं ना कहीं निंदनीय है या नहीं है, ये सही है या गलत है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो निंदनीय है और कहीं तो ये दिख रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का इसको खुली तरह से सपोर्ट है कि वो खुद ही ब्राह्मण है। अभी तक मैंने यहाँ देखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने हमारे दलितों के लिए क्या किया। लास्ट टाइम जब भीमा कोरेगांव पर अत्याचार हुआ तभी इन्हीं लोगों ने हमारे लोगों को फंसाया है और कहा कि इन्होंने ही ये सब कांड किया था, ये जो झगड़ा हुआ लपड़ा हुआ भीमा कोरेगांव के वक्त जो हल्ला हुआ वो हम लोगों के ही लोगों पे उन्होंने ये डाला कि इन्होंने ये सब किया था करके। आखिर ये सब करने के पीछे क्या लगता है आपको, क्या इसी तरीके से मतलब राजनीति इसके पीछे लगता है या कोई और कोई बड़ा इसके ऊपर रैकेट है, क्या साजिश है इसके पीछे, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक देखा जाएगा कि BJP की सत्ता कहीं ऊपर नहीं आ रही है, सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि BJP की सत्ता ऊपर आ रही है। हाँ उनको कहीं तो हमारे समाज को हमारा समाज उनके पहले से ही विरोध में है, मुस्लिम समाज उनके विरोध में है, जहाँ तक देखा जाएगा तो अभी बहुजन भी उनके विरोध में है। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि कहीं तो हमारे समाज को बोलने वाला कोई तो पैदा करने का और हम लोग उनके खिलाफ बोलने का और हमारे समाज के लोगों को फंसाने का और कहीं तो एक तरफा वोट वो लोग को मिल के जीत के आने की ऐसी कोशिशें उनकी है। कुछ आगे बढ़ने वाले नहीं है, ये BJP की सरकार आने वाले वक्त में गिरने वाली है और जहाँ तक देवेंद्र फडणवीस और RSS मनुवादी ये सब जिस तरह से ये लोगों को पैदा कर रहे हैं इन लोगों को जन्म दे रहे हैं
इनके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा और हर एक ऐसे पैदा होने वाले को हम लोग बराबर तरीके से इनको दिखाएंगे कि तुम्हारी औकात क्या है। आपका अगला कदम क्या होगा जिसमें अगर देखा जाए कहीं ना कहीं इस विवाद के ऊपर आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरीके के जो विवाद के ऊपर कहीं दंगा फसाद ना हो, और उसके बाद जो है आपका अगला कदम क्या होगा कि ये अभी तक ये फरार है, पकड़ा नहीं गया है? मेरा हमारे समाज के युवाओं के लिए एक ही संदेश है, ये जहाँ भी मिलेगा उसको मारो, क्योंकि दूसरा ऐसा पैदा नहीं होना वाला होना चाहिए। ये हमारे समाज के खिलाफ बोलता है, ये हमारे बाबा साहब के घराने के खिलाफ बोलता है। हाँ, तो ये ऐसे आदमी पैदा नहीं होने चाहिए, इनको आज ही सबक सिखाना जरूरी है। धन्यवाद। मेरे साथ और भी काफ़ी जो मतलब यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। सर क्या नाम है आपका? शकील अहमद नाम है मेरा। शकील अहमद जी, आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक विवाद जो फैला हुआ है, जो करनी सेना के मतलब अजय सिंगर जिन्होंने एक बहुत ही गलत ही बात की है, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहना चाहिए उसको, वो किसी समाज के बारे में गलत बोलना उसका हक है क्या? ऐसा कुछ भी बोल जाएगा, गलत बात है, सब नहीं करना चाहिए। आज जिस तरीके का एक जो माहौल बना हुआ है यहाँ पर, मेरे साथ और भी एक व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित है, क्या नाम है आपका? नितिन महापुरे। नितिन जी, क्या कहना चाहते हैं आज जो मतलब एक विवाद जो पूरे भारत के अंदर उठा हुआ है, खासकर महाराष्ट्र के अंदर, कहीं ना कहीं मतलब आज शिक्षा को मैं देखते हुए बोलूँगा कि आज भी कहीं ना कहीं शिक्षा जो जागरूक है, जिसके चलते ऐसे भड़काऊ भाषण के बावजूद यहाँ कोई मतलब जो दंगा फसाद नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं एक शांतिप्रिय तरीके से आप लोगों ने अपने कानूनी कार्रवाई के ऊपर एक मांग रखी है, पर उस अजय सिंगर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अजय सिंगर जो करनी सेना का अध्यक्ष है, करनी सेना ये स्थापित हुई राजस्थान में आज से 16 साल पहले, तो हम संवैधानिक तरीके से उसको नाबालिग ही समझेंगे, अभी तक वो 18 साल की भी नहीं हुई है, तो 18 साल होने के बाद हम उसके बयान को दिल पे लेंगे, अभी तो वो बच्चा है। तो उसका जो स्टेटमेंट है, वो जो कहता है कि वो शूरवीरों की कहानी नहीं है, तो एक बार हमारे साथ देख के चले, उसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। हम हमारे समाज से आह्वान करेंगे कि हम उसको पूरी संरक्षण के साथ वहाँ लेके जाएंगे और बताएंगे कि वो विजय स्तंभ जिस तरह से खड़ा है, वो उसकी एहसास उसका गवाही देता है कि ये शूरवीरों की कहानी है। उस टाइम जो 500 महारों ने जो अपने स्वाभिमान हक और समाज के अधिकारों के लिए जो लड़ाई की थी, उस स्वाभिमान और हक की लड़ाई थी, वो किसी धर्म या किसी जाति के लिए लड़ाई नहीं थी। तो जो करनी सेना के जो अध्यक्ष जो सिंगर है, उनको कोई पहचानता तो नहीं है, अभी वो वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर और किसी हमारे साहब आदरणीय प्रकाश साहब अंबेडकर के साहब भी उंगली उठाए, अब उनको कोई पहचानता नहीं है, तो सही बाबा साहब के नातू के ऊपर उंगली उठा के वो फेमस होना चाहते तो हो जाए, ऐसे तो बाबा साहब का नाम लेके कितनी राजनीतिक पार्टियां चलती है, तो ये भी और छोटा बड़ा हो जाएगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर ये शूर महारों के शौर्यता पे अगर उंगली उठाता है, तो इतना ज़रूर है कि करनी सेना का मतलब क्या होता है मालूम है? विनाशकारी शक्तियों के साथ किसी की अन्याय शक्तियों के साथ किसी का विनाश करना, तो महाराष्ट्र शासन ने ये देखना चाहिए कि वो विनाश का काम करने यहाँ पे आ रही है। एक या तो आप रोक लगाओ, या हमको उनके घर पे जाके उन पर रोक लगानी पड़ेगी। तो जो जय भीम का जो नारा है ना, वही ऊर्जा और प्रेरणा स्थान होता है, तो उसको उंगली ना करे, तो उसके वजह से क्या हो सकता है, फिर से एक बार और विजय स्तंभ कहीं खड़ा ना हो जाए। कहीं ना कहीं एक जो युवा ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब अपनी बातों को दर्शाया, पर एक बात जो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि उस विजय स्तंभ के विषय में जो महारो के लिए कहीं ना कहीं आज उसी विजय स्तंभ के चलते महारो को आज एक महार रेजिमेंट का जो उत्पन्नी उसी देंगे क्या भाई, वहीं पर मतलब अगर देखा जाए, थोड़ा कट करना पड़ेगा कामले भाई, वहीं पर अगर देखा जाएगा जिस विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं और जिस विजय स्तंभ को बुलडोजर से ढहाने की बात कर रहे हैं, उसी पर अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उसके इतिहास को जानने की कोशिश करें और फिर उसके ऊपर बोलने का प्रयास करें। इस तरीके का विवादित बयान देकर भारत की जो मतलब भारत के दलित समाज को ठेस ना पहुँचाए, शासन प्रशासन कहीं ना कहीं इसके ऊपर जल्द से जल्द एक कड़ी कार्रवाई करे। कैमरामैन ब्रिजेश सिंह के साथ मैं राजेश मोरिया, जेएमएन न्यूज़ से। बातम्या पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा आणि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहा तुमच्या मोबाईलवर।